पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस प्रभारी और प्रियंका गांधी के करीबी तजिंदर सिंह बिट्टू ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के कुछ घंटे बाद ही बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में भाजपा की सदस्यता ली। इससे पहले सोशल मीडिया पर इस्तीफे की जानकारी देते हुए बिट्टू ने कहा कि भारी मन से 35 साल बाद मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि उन्होंने इस्तीफा देने की वजह का खुलासा नहीं किया। बता दें कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद से एक एक करके कई सीनियर नेता पार्टी छोड़ते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस छोड़ने वाले ज्यादातर नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इनमें अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़ समेत कई नेता शामिल हैं। वहीं कांग्रेस नेता दलवीर सिंह गोल्डी ने आम चुनाव के लिए संगरूर लोकसभा सीट से पार्टी का टिकट नहीं मिलने पर निराशा प्रकट की और पार्टी आलाकमान से कहा कि किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया जाए। गोल्डी ने कहा कि वो संगरूर सीट से भुलत के विधायक सुखपाल सिंह खेरा को मैदान में उतारने के कांग्रेस के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पार्टी ने 2022 के संगरूर उपचुनाव के दौरान उनसे वादा किया था कि उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा। धुरी के पूर्व विधायक गोल्डी ने फेसबुक पर लिखा कि पहली बार नहीं है जब उन्हें पार्टी की ओर से टिकट देने से इनकार किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा परेशान ये बात करती है कि बड़ा नेता कौन है और छोटा नेता कौन है। बड़ा नेता किसे माना जाता है, जिसके पास पैसा है या जो वफादार है। गोल्डी ने कहा कि उन्होंने 2012 के राज्य विधानसभा चुनाव में भी पार्टी से टिकट मांगा था, लेकिन इनकार कर दिया गया था।